हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेमेंस वर्ल्ड। तो जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि आज का ये टॉपिक मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। आज का ये टॉपिक होने वाला है मेडर्मा क्रीम से, जो मैंने अपने रीसेंट पिंपल मार्क्स रिमूव किए हैं उस बारे में। तो मैंने कुछ टाइम पहले मेडर्मा का एक वीडियो शूट किया था, मेडर्मा क्रीम या जेल का, एंड उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को इसको अपने स्कार्स पे, मेरे फेस पे स्कार्स थे, एंड मैं आपको बताऊँगी कि इसके कंटिन्यूड यूज़ से कैसे मैंने अपने मार्क्स को रिमूव किया है। तो ये वीडियो आज उसी के बारे में है, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जो मेरे फेस पे न्यू मार्क्स और पिंपल्स आए हुए हैं, प्लीज़ इग्नोर देम बिकॉज दे आर न्यू एंड दे विल कीप ऑन कमिंग। एंड हम सबके साथ ऐसा होता है कि पिंपल्स के मार्क्स जो है वो हर बार नए तरीके से आ ही जाते हैं। बट आइडिया ये है कि उनको रिमूव करने के लिए भी कुछ होना चाहिए, और इफेक्टिवली और जल्दी रिमूव करने के लिए। तो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में, मैं आपको यहाँ पर कहीं स्क्रीन शॉट लगा दूँगी, दिखाया था कि मेरे चीक्स पर जो है वो मार्क्स थे, वो अभी भी हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अपने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है सिवाय एक लिपस्टिक के, और मैं अपने आई मेकअप हल्का सा कंसील, अपने डार्क सर्कल्स को कंसील किया है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी इफ़ेक्टिवली जो है मेरे मार्क्स जो है वो रिमूव हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इनको जो है रिमूव करके। मैंने शायद पिछली वीडियो में जॉनसन्स बेबी का यूज़ किया था ये वाइप्स, लेकिन इस समय मेरे पास काया है, मैंने ये न्यू लिया है। एंड पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फेस पे कुछ भी कंसीलर एंड कोई भी क्रीम, इस तरह की चीज़ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, इधर भी, इट्स जस्ट नथिंग ऑन माई फेस इस टाइम पे। और आप देख सकते हैं कि जो पिंपल्स के मार्क्स उस टाइम थे वो एक्चुअली जो ये वाला मार्क था, यहाँ पर जो मार्क है ये थोड़ा और डार्क था, और ये वाले भी डार्क थे, लेकिन अब ये वाले जो है लाइट हो गए हैं, और ये वाला भी काफ़ी लाइट हो गया है क्योंकि ये सबसे डार्केस्ट था, इसलिए धीरे धीरे जा रहा है। एंड यहाँ पर जो ये वाला मार्क आप देख रहे हैं ये न्यू है, दिस इज़ द न्यू पिम्पल मार्क, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स थे वो काफ़ी हद तक फेड हो गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक फेड हो गए हैं। एंड मैं आपको सीरियसली बताऊँ, सच तो मैंने मेडर्मा क्रीम कंटिन्यूड यूज़ नहीं किया है, लाइक मैंने उसको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया, सुबह शाम यूज़ नहीं किया, इवन मैंने उसको डेली भी यूज़ नहीं किया है। मैंने उसको जब याद आता था, सीरियसली स्पीकिंग, मैं अप्लाई कर लेती थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था, हम सबके साथ होता है कि हम भूल जाते हैं लगाना, ठीक है, या मे बी हमने कोई नई क्रीम खरीदी होती है तो हम उसको लगा लेते हैं एंड पुरानी वाली को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कंटिन्यूड यूज़ नहीं किया, एंड तब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पिंपल्स के मार्क्स काफ़ी हद तक जो है वो सही हो गए हैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्रीम, एंड आई एम श्योर जो लोग यूज़ कर रहे होंगे मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये क्रीम पसंद आई कि नहीं आई। एंड दूसरी बात, मैंने एक ये नया लिया है, नया ट्राई किया है, ओल्ड एंड न्यू स्कार्स, ये ओल्ड एंड न्यू स्कार्स के लिए। इसका मैं अभी, इसको मैंने अनपैकिंग भी नहीं किया एंड मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, तो ऑब्वियसली अनपैकिंग नहीं किया तो यूज़ नहीं किया। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने नए स्कार्स पे, जैसे कि ये वाला है, ये बहुत ही विजिबल, बहुत ही बड़ा स्कार है, एंड ये जो मेरा यहाँ पर पिम्पल हुआ है इसका भी स्कार आई एम श्योर आएगा ही आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगी, और ये जो बाकी के हल्के फुल्के हैं इन पर भी यूज़ करूँगी। एंड आई विल शो यू माई क्लियर स्किन इन जस्ट फ्यू डेज बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ इट रेगुलरली नाउ, एंड फिर इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का कोई और क्वेरी है या कोई और चीज़ स्किन केयर के बारे में हेयर केयर के बारे में, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूंगी। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको रिव्यू करूं एंड फिर उसका रिव्यू, ट्रू रिव्यू शेयर करूं, तो दैट आई विल डू। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में अगला वीडियो या उसके अगला वीडियो देखना चाहते हैं आप, या अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को ज़रूर सच सच जो भी है वो बताऊँगी। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आई विल टेल यू दैट इट इज़ नॉट नाइस, डोंट यूज़ इट, डोंट वेस्ट योर मनी, बट अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मैं उसके ट्रू रिव्यू शेयर करूंगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अपने स्कार्स के बारे में, एंड आई होप आप लोग घर पर हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं, एंड या विद दिस नोट लेट्स कीप इट नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, एंड हेल्दी रहिएगा, अंदर रहिएगा, और बी सेफ।